Good morning, class. Welcome to your e-learning class. This is your mathematics lecture, and today I am going to start chapter 12, that is ratio and proportion. Student, यहाँ हम ये जानेंगे कि ratio का use हम क्यों करते हैं. How we use ratio? We compare the quantities. डिवीजन के हेल्प से यहाँ पे हम किसी दो क्वांटिटीज के बीच कंपेयर करते हैं. एंड दिस इज नेसेसरी कंडीशन टू कंपेयर द क्वांटिटीज. द यूनिट ऑफ टू क्वांटिटीज विल बी सेम. दो क्वांटिटीज के यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी हम उसके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और तभी वो रेशियो सही फाइंड आउट होगा. Two quantities can be compared only if they are in the same unit. We compare the two quantities in terms of how many times. This comparison is known as ratio. Like one question is there. Length of a room is 30 meter. Length of a room is कैसे रेशियो निकालते हैं? देखिए, लेंथ ऑफ अ रूम इज इक्वल टू 30 मीटर एंड द ब्रेथ ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 20 मीटर. यहाँ पे एक रूम की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन हियर. अब दोनों के बीच का रेशियो में निकालना है. क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज. तो एट फर्स्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं गिवन यूनिट्स आर सेम और नॉट. दोनों के बीच की यूनिट सेम है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है. गिवन यूनिट इन द मीटर, तो रेशियो इज इक्वल टू 30/20. एंड इसके जो लोएस्ट टर्म होंगे वही इसके रेशियो कहे जाते हैं. मीन्स 3/2 एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3:2. रेशियो को हम इस साइन से डिनोट करते हैं. दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, रेशियो ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ. इसे हम ऐसे ही बोलते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई की रेशियो. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो. और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट जब सेम होगी तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं. अदरवाइज यूनिट अगर डिफरेंट है तो हमें उसे कन्वर्ट करके चेंज करके सेम यूनिट में लाएंगे, फिर आफ्टर डिवीजन वी गेट द रेशियो ऑफ द गिवन क्वेश्चन. वन मोर एग्जांपल ऑन दिस विद अ टेकिंग डिफरेंट यूनिट. Find the ratio of find the ratio of 90 centimeters to 1.5 meters. Look student, here unit are different, means ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है एंड ये मीटर में दिया हुआ है. सो वी हैव टू, यहाँ पे हमको किसी एक की यूनिट चेंज करनी होगी. तो 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 × 100. यहाँ 100 से मल्टीप्लिकेशन क्यों किया हमने? क्योंकि
100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो मैंने इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, देन 150 सेंटीमीटर। आवर क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 90 अपॉन 150, 0 0 कैंसिल आउट एंड दिस इज 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, दिस इज 3/5 एंड रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:5, रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:5। नाउ इस तरह से ही जब यूनिट डिफरेंट हो तो हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो? वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, लाइक 2/5। इसके हमें इक्विवेलेंट रेशियो निकालने हैं। दिस कैन बी रिटन एज 2:5, 2:5, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशियो। एट फर्स्ट 2/5 वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2 एंड अगेन वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 2, देन व्हाट वी गेट हियर, 4/10, दिस इज 4:10, दिस इज द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:5। 4:10 इज द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:5। फॉर अनदर 2/5 मल्टीप्लाइड विद 3/3, देन व्हाट वी गेट, 3 2 6 एंड 5 3 15, मीन्स 6:15। दीज आर द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:5। ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो है 2:5 के, 2:5, 4:10, 6:15। एंड नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रेशियो। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। क्वेश्चन ए आस्क, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज? यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और एंड द नंबर ऑफ बॉयज को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 15, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, दैट इज 4:3। सो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज रेशियो इज 4:3, 4:3। एंड नाउ क्वेश्चन बी सेज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 20 + 15, 35, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
in the class is equals to 20 plus 15, that is 20 plus 15, that is 35 students. And the question is, number of girls to the total number of students. So, number of girls upon total number of students means number of girls is 20 and the total number of students is 35. 5 se division kijiye. We have to divide 5 with the numerator and denominator. 5 fours are 20. 5 sevens are 35. That is 4 upon 7 is equals to 4 is to 7. This is the required ratio of number of girls in the class to students in the class. This is it for today. Till then, keep practicing. Thank you.